आज श्लोक संख्या 9 और 10 का पुनरावृत्ति करेंगे। प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 9 और 10। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मनः भवता यत् विनिश्चितं पुंसां एकान्ततः श्रेयः तत् न सन्तिं संसितुम् अर्हसि। तत्र तत्र अंजसा जुष्मन् भवता यद् विनिश्चिता पुंस एकांतत श्रेया तन्न संसितुमरहसि प्रायेण अल्पायुष सम्या कलावस्मिन् युगे जना मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुता। एक व्यक्ति एक दूसरा दूसरा ओके अंजसा सहज सरल समझने योग आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए भवता आपके द्वारा यत् जो कुछ भी निश्चितम निश्चित किया पुंसाम जन समान के लिए एकांततः नितांत श्रेय परम कल्याण तत् उस न हमको संसितुम समझाने के लिए अर्हसि योग्य हों। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याणों के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण विशेष रूप से
उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण समान जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतएव मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप लोग हो सके तो कुछ होमवर्क कीजिएगा, और वह यह है कि आप सब लोग ये पूरे अध्याय को पढ़ लीजिएगा तात्पर्य के साथ में, तो इजी होगा। मैं प्रायः एक प्रश्न लूँगा और अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद एक श्लोक को मैं लूँगा। तो व्यास देव के दो पुत्र हैं। प्रथम पुत्र हैं श्रीमद् भागवतम और दूसरे हैं सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव बहुत से शास्त्रों का रचना किए, वेद को चार भाग में बांटे, पुराण अलग अलग लोगों के अनुसार पुराणों का रचना किए, जिसमें छह पुराण हैं सतगुणी लोगों के लिए, छह हैं रजोगुणी लोगों के लिए और छह है तमोगुण लोगों के लिए। सबको प्रसन्न करने के लिए प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजी में कहा जाता है इफ ट्राई टू प्लीज एवरी वन यू विल एंड अप प्लीजिंग नो वन, और वही हुआ व्यासदेव के साथ में। वो सबको प्लीज करने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ। साथ में उन्होंने उपनिषद का भी रचना किया। उसके बाद उन्होंने इतिहास पुराण, जिसे पांचवा वेद कहते हैं, यानी महाभारत का भी रचना किया। अतः इतिहास पुराणम च पंचम वेद च उच्यते। इतिहास पुराण या महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। इन सब के बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं थे। आप लोग इस कथा को आगे तीसरे अध्याय में सुनेंगे। उसके बाद जब नारद जी आए और नारद जी ने जब उनसे कहा कि आप शरीर का श्रृंगार तो अच्छा कर दिए हैं, लेकिन उसमें प्राण डालना भूल गए हैं। आपने भगवान विष्णु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ काम नहीं किया है। तो भगवान विष्णु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करें। नारद जी बहुत सॉलिड सिद्धांत बताए हैं। यदि हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रसन्न करने का तरीका है वैष्णव और विष्णु को प्रसन्न करना। वैष्णव और विष्णु को यदि हम प्रसन्न कर देंगे तो सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। व्यासदेव सबको प्रसन्न करने के लिए काम किए, लेकिन स्वयं प्रसन्न नहीं थे। कोई कह सकता है वो सबको प्रसन्न करने के लिए काम किए, चाहे अपने प्रसन्न हो या चाहे न, उसे क्या लेना देना है। लेकिन ये दिखाई पड़ता है
जब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं हम लोग, और व्यक्ति वो प्रसन्न होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, वो व्यक्ति दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं। हम लोग क्लास देते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो श्रोता लोग हैं उनके समझ में आ रहा है हाव भाव से, तो जैसे उनको आनंद आता है अपने को आनंद आता है। नहीं देखते हैं कि जब उनका सिर से ऊपर जा रहा है तो वक्ता को ही पसीना चुने लगता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा उनको समझने के लिए। तो ऐसे ही व्यासदेव को जब नारद जी बहुत सुंदर सिद्धांत बताए कि भगवान विष्णु और वैष्णव को प्रसन्न करने से सबको प्रसन्न हम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से वृक्ष के जड़ में यदि पानी डालेंगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। तो यही हम लोगों का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान विष्णु और वैष्णव को प्रसन्न करें। अब विष्णु और वैष्णव को प्रसन्न करने में बड़ी सतर्कता रहनी पड़ती है। वह सतर्कता है एकाग्रता। विष्णु और वैष्णव की सेवा में एकाग्रता बहुत जरूरी है। इंद्रियों की एकाग्रता, इंद्रियों में मन की एकाग्रता, वाणी की एकाग्रता, श्रवण इंद्रिया की एकाग्रता, जितनी इंद्रियां हैं उनमें एकाग्रता होनी चाहिए। व्यासदेव ये भागवत महापुराण में एकाग्र भाव से भगवान कृष्ण और वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए काम किए हैं। भागवत महापुराण का एक भी वर्ड, एक भी शब्द न ज्यादा है और न कम है। ये उतना शब्द है जिन शब्दों से हम भगवान कृष्ण को और वैष्णवों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भागवत से हमें एक शब्द निकालना भी नहीं चाहिए और एक शब्द डालना भी नहीं चाहिए। पुराणों में देखा जाए तो व्यासदेव ज्यादा ही कुछ बोल दिए हैं, लॉलीपॉप दे दिए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उतना ही बोलें, अपने वाणी का उतना ही प्रयोग करें जो भगवान से संबंधित हो। हम लोग ज्यादा बोल देते हैं और जो ज्यादा बोलता है वो समझ लो केवल प्रजल्प करता है, जो कम बोलता है वो विष्णु और वैष्णव के प्रसन्नता के लिए ही बोलता है। जैसे हम कहते हैं दवा दारू करा देना, अरे दवा से हो गया फिर दारू कहने की जरूरत क्या है, इसका उसका कुछ उसको जोर देने के लिए हम एक्स्ट्रा शब्द उसमें लगा देते हैं। और क्या दो शब्द बताओ ऐसे है? अनाप शनाप है? कुछ लगा देते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, ये सब कहने की जरूरत नहीं। जो वैष्णव है वो नहीं करते हैं। तो जो भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं वे लोग एक शब्द ज्यादा भी नहीं कहेंगे, एक शब्द कम भी नहीं कहेंगे, वही बात कहेंगे जिससे विष्णु और वैष्णव प्रसन्न हो। और व्यासदेव ने वही किया और वही है भागवतम, वही है भागवतम। भागवतम के एक एक शब्द, भागवत महात्म्य में इसका वर्णन किया गया है कि यदि एक क्या आधा शब्द भी कहा जाए तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब्सोल्यूट है। जैसे भगवान अब्सोल्यूट है वैसे भागवतम भी अब्सोल्यूट है। और उतना ही नहीं, व्यासदेव इतने प्रसन्न हुए इस भागवत का रचना करने के बाद, जब देखे कि भगवान प्रसन्न हैं, वैष्णव लोग प्रसन्न हैं, तो वे आज भी हम लोगों के बीच में हैं
और वे अवलोकन कर रहे हैं ये भागवत कथा का श्रवण कीर्तन जो हो रहा है, अवलोकन कर रहे हैं आज भी वे। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये सात लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, उसमें से हैं अस्थामा बलि व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सत्ते एतत् चिरंजीवी। ये सात लोग चिरंजीवी हैं। अवस्थामा वो तो हम लोग के नेबर हैं, यहीं पर हैं। अवस्थामा बलि महाराज, व्यासदेव नर्मदा नदी के तट पर व्यासदेव का आश्रम है आज भी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम। तो इन सप्त जीवों में से एक हैं, वे हैं व्यासदेव। उन व्यासदेव का ये अंतिम रचना है भागवत महापुराण, तौल तौल करके इसका रचना की है। और इस भागवत महापुराण की प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान से एक भक्त का इच्छा किए, और जिसके परिणाम स्वरूप आए सुखदेव जी। तो खैर, इस महात्म्य में न जा करके समय के सीमा को देखते हुए कर सेवा भी करना है, तो संक्षिप्त में मैं इसके पूर्ववर्ती श्लोकों पर थोड़ा थोड़ा, कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो हम लोग ये तीन श्लोक जो है, प्रथम श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक पर विचार करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में ये भागवत महापुराण का जब प्रारंभ किए तो वासुदेव कथा यह है, इसलिए प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव संबंधित यह कथा है। वासुदेव हैं कौन, उनके विषय में वर्णन किया गया प्रथम श्लोक में। जन्मादस्य यतन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट ने ब्रह्म हृदयादिकवये मुयन्ति यत सूरय तेजो बारिमिदं यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो महा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये भागवत महापुराण शुरू होता है परम सत्य के ध्यान से, और अंत भी हुआ है परम सत्य से। ये 12वां स्कंद के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 11 में वर्णन किया गया है। जोगिंद्राय तत् अनाथ भगवत भगवत गताय कारुण्य सिद्धम यस्मै जेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारद मुनयो कृष्णाय तद्रूपिणा जोगिंद्राय तदात्मनाथ भगवत नाथाय कारुण्य तद्वसुद शुद्धम विमलम विशोक अमृतम सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य का वर्णन भागवतम में किया गया है, और कहां से शुरू किया गया है तो कहते हैं जन्मादि अस्य, सृष्टि से लेकर के सृष्टि स्थिति प्रलय जो सब कुछ उनसे निकलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे उनमें लिप्त नहीं है। जन्मादस्य आदि इतरतः च अर्थे स्वविग्ग स्वराट,
इन सब के होने के बावजूद ही वे स्वराट हैं, इनमें लिप्त नहीं है। हम यहां पर संसार पैदा करते हैं, उसमें रच पच जाते हैं, उनका सुख दुख हमारा सुख दुख होता है। कोई मर जाता है तो रोने लगते हैं, कोई खुश रहता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं है। वे स्वराट हैं सब कुछ करने के बावजूद भी। इसीलिए इन भगवान को मनुष्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा बात नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी वो गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे थे, तो कह रहे थे कृष्ण को समझना सामान्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ये देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं, इंद्र हुए ब्रह्मा हुए ये लोग भी विमोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवजो मोहयंती यत सूरया, उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं उनको ज्ञान दिया इस भागवतम का चतुश्लोकी भागवतम के रूप में, और उनके वो भी मोहित हो गए। देवता लोग बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मोहित हो जाते हैं जैसे कभी कभी हाईवे पर गर्मी के दिन में गाड़ी चलाते हैं तो दिखाई पड़ता है कि पानी का लहर है, या मरुस्थली में वो हरिण समझता है कि पानी है। तेजो बार मृदाम, जब तेज यानी धूप लगता है तो उसमें वारी यानी पानी का आभास होता है। अब जाड़ा के दिन में हाईवे पर गाड़ी चलाओ तो पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, ये गर्मी का दिन होगा तभी तो दिखाई पड़ेगा, तो तेज के चलते। और जो पानी देखा जाए यदि इन तत्वों में से देखा जाए तो सबसे पहले आता है वह है आकाश, आकाश के बाद आता है वायु, वायु के बाद आता है अग्नि, और अग्नि के बाद आता है जल। तो अग्नि से एक तरह से जल की उत्पत्ति कहा जाए या उसके बाद आता है। तो तेजो बारी, तेज से बारी प्रतीत होता है, विनिमयो, विनिमय मतलब आदान प्रदान लेन देन मिक्सचर से विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषाम, वैसे ही प्रकृति के तीन गुणों के संघर्ष से ये संसार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद भी स्वयं सदा निरस्त को कम सत्यम परम धीमहि, ये भागवतम परम सत्य का व्याख्या करता है। और भागवतम में है क्या परम सत्य, कैसे जान सकते हैं? संसार में लोग लगे हुए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उनके जीवन का लक्ष्य चतुष्पुरुषार्थ है, लेकिन भागवतम इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे कहा कि व्यास देव बड़े नाप तौल करके एक एक शब्दों का प्रयोग किए हैं, इसीलिए यहां पर कहा गया है धर्म प्रोजित कैत परम निर्मा शराणाम सताम वेदम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर सद्यो हृदयरे दत्रेत कृतवि सुसुर्सुवि तक्षणात्। हम तो शॉर्टकट में क्रैश कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे पहला श्लोक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ढाका में 3 महीना तक प्रवचन किए थे एक एक श्लोक पर, और पूरे भागवत महापुराण में ये सबसे बड़ा परपोट है तो ये पहला श्लोक का है, कई एक पेजों में है। अब ये दूसरा जो है कहते हैं धर्म प्रोजित, धर्म मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुष्पुरुषार्थ को भागवतम में क्या किया है प्रोजित, प्रकृष्ट रूपेण ऊजित,
मतलब जड़ से सफाई करना, जैसे हम देखे कल सफाई कर रहे थे तो वो घास काट रहे थे, तो घास काट दिया साफ तो हो गया, लेकिन वर्षा होगा फिर घास सूख जाएगा, जड़ तो अंदर है ना। तो भागवतम क्या कर रहा है, प्रोजित जड़ से कबाड़ करके फेंक दिया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म और काम मोक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है भागवतम में। धर्म प्रोजित कैत उत्र परमो निर्मसराणाम सताम, निर्मसराणाम सताम। ये निर्मसर यानी साधु महात्मा और सताम, इन लोगों के आनंद के लिए और वास्तविक ज्ञान का, इसमें वेदम वास्तव अत्र, इसमें वास्तविक ज्ञान का विवरण किया गया है। एक शब्द जो है वो श्लोक श्लोक अर्धो अपि, एक श्लोक का आधा भी चलेगा तभी काम चलेगा, क्योंकि ये वास्तविक शब्द है। ये कैसे हैं, वस्तु शिवदम एक कल्याणकारी है, तापत्रयोर ऊन मूलनम, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों को का उन्मूलन करने वाला यह भागवतम है। एक एक शब्द भी पुराने एक शब्द भी श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर, जब व्यास देव ने इसका बड़ा सुंदर ढंग से रचना किया है तो अन्य शास्त्रों का आवश्यकता ही क्या है। इसलिए श्रोताओं को जो सुश्रुषुभी है उनको बार बार इस भागवतम का श्रवण करना चाहिए। ये भागवतम है कैसा, तो प्रथम जो श्लोक है उसमें परम सत्य का वर्णन किया गया है, दूसरा जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो निर्मसराणाम लोग हैं सताम लोग हैं उनके आनंद का यह विषय वस्तु है। यह है कैसा अपने आप पे, वो तीसरा श्लोक कहते हैं, निगम कल्पतरो रगलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। कथन निगम कल्पतरो रगलितं फलं, जितने वेद पुराण हैं निगम, उन सब वेद पुराणों को वृक्ष से तुलना की गई है, और उसका पका हुआ जो फल है, वृक्ष का पका हुआ जो फल है जिसमें न तो गुठली है और न छिलका है और न रासा है, रास समझते हैं ना, ज्यादा दांत में लग जाता है आम में होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा फल है। गलितम गलाने की पकाने की, तो पका हुआ फल है, और उतना ही नहीं सुखम घाद्रमित संयुतम, आप लोग फल खाए हो जिसको सुगा काटा हो, कितने लोग खाए हो, हाथ वेरी गुड। अभी अमरुद के जा सकते हो इधर, अमरुद जो सुगा खाते हैं, तो वह फल अपने आप मीठा है और सुखदेव गोस्वामी इसका स्पर्श किए हैं तो और मीठा हो गया है। सुखाद्रमित संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है, खाना भी नहीं है, चबाना भी नहीं है, पीना है। पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रस का खजाना है, रसराज है, मुहूर् हो रसिका भू भाव का, नित्य निरंतर निरंतर आठों पहर सप्तम, मुहूर्हो रसिका भू भाव का, जो भावुक लोग हैं जो भक्त हैं उन्हें चाहिए इसका हमेशा पठन पाठन करना सुनना। अब कथा प्रारंभ हो रही है, ये तो भागवत का महात्म रहा। नैनिषे निविश्य क्षेत्रे ऋषया सौनकादय सत्र सर्गाय लोकाय सहस्त्र समासत। एक समय की बात है, कुछ ऋषि लोग जन कल्याण के विषय में सोच रहे थे,
और सोचे कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो ये लोग एक यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ में अग्नि को आहुति दी जाती है। अग्नि का एक नाम है पावक। पावक मतलब जो पवित्र करे। अग्नि का काम है पवित्र करना। तो इसलिए ये ऋषि लोग जनमानस को पवित्र करने के लिए ये यज्ञ करना चाहते थे। 88,000 ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि भजन करने के लिए टाइम, प्लेस और सरकमस्टेंसेज, ये तीन चीज की बड़ी आवश्यकता होती है। भजन ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर मन एकाग्रता से लग सके। आजकल लोग बहाना बंद करते हैं, मंदिर में जाने का जरूरत क्या, घर में भजन हो जाएगा। घर में भजन नहीं होगा। घर जो है विषय वासना से भरा हुआ है। घर के कोने कोने में विषय वासना की आवाज आ रही है। बच्चों के कलरव का आवाज आ रहा है, पत्नी का झगड़ा जो हुआ है। शब्द नष्ट नहीं होता है, शब्द रहता है हमेशा। तो घर में सब शब्द घूम रहे हैं। शब्द भजन करने बैठोगे, ए बहु थोड़ा पानी लाना, याद आ जाएगा। ए बहु थोड़ा ये करना, और बुढ़ी कर रही है तो वो कहेगी बुढ़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। जो भी भजन करेंगे वो भजन मन नहीं लगेगा। तो घर भजन के योग्य नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हित्वात पापम गृह अन्नकूपम वनम गतो यर हरि मास रहे। तो घर द्वार छोड़ो और हरे कृष्ण मंदिर में आओ। तो मंगला आरती के बाद रूम में जाकर जप नहीं हो पाएगा, आश्रम में जप नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छा चीज है मंदिर में जप करना। थोड़ा ठंडा लग रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मंदिर अच्छा है। फिर भी स्थान बहुत जरूरी है, टाइम, प्लेस एंड सरकमस्टेंसेज। ऋषि लोग ब्रह्मा जी से पूछने गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, भगवान ही सबको पवित्र करने वाले हैं, तो मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं और तुम लोग जाओ, जहां चक्र का निमिष धूरा जहां बैठ जाएगा वही असली स्थान है। तो ऋषि लोग आए पीछे पीछे और वह अधूरा आकर के, हम लोगों का सौभाग्य है कि नदीक में ही ये निमिषारण्य क्षेत्र है, तो निमिषारण्य में निमिष चक्र का बैठ गया। तो इसे कहते हैं नैमिषे निमिष क्षेत्रे, ये नैमिषारण्य। इस प्रकार से बताया गया है कि सात आरण्य हैं जो कि भजन के लिए बड़े अच्छे हैं। नैमिषारण्य, दंडकारण्य, सेवारण्य, कामकारण्य, धर्मारण्य, बद्रिकारण्य और चंपारण्य। हम लोग चंपारण्य में एक मंदिर अभी स्थापित कर रहे हैं बिहार में, चंपारण लोग कहते हैं। पहले बंद था तो चंपारण। एनीवे, तो बद्रिकारण्य या बद्रिकाश्रम या नैमिषारण्य, तो आज भी वह स्थली है जहां पर निमिष तीर्थ है, बहुत लोग जाते हैं। तो भजन के लिए ये बड़ा ही सुंदर स्थली है। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, 88,000 ऋषि एकत्रित थे और उनके आचार्य थे सौनक जी। सब चीज में मुखिया होना जरूरी है। आपके मंदिर में प्रेसिडेंट साहब हैं प्रेम भरना प्रभु, तो मुखिया होना जरूरी है, बिना लीडर का काम नहीं चलता है। लीडर का परिचय क्या है? लीडर वह है जो करता ना हो, जो कराता हो। कराने वाला लीडर होता है, करने वाला लीडर नहीं हो सकता है।
करना करने में पैशन होना चाहिए, और जो पैशनेट होगा वो लीडर कैसे हो सकता है। लीडर मतलब जो सद्गुण में हो, जिसमें सद्गुण की प्रधानता हो वो लीडर हो सकता है। लीडर काम मेंटेन करना, भगवान विष्णु मेंटेन करते हैं, वो सद्गुण में है, करने वाले ब्रह्मा जी हैं, रजोगुण में है। तो लीडर जो कराने वाला हो, सद्गुण प्रधान हो, और करने वाला रजोगुण प्रधान होना चाहिए। यदि करने वाला सद्गुण प्रधान हो जाएगा काम नहीं होगा, और यदि कराने वाला रजोगुण प्रधान हो जाएगा किसी को करने ही नहीं देगा काम, स्वयं करेगा। हाँ, जब जरूरत पड़े तो स्वयं करता है, आगे रहना लीडर आगे रहना चाहिए। कल ही मैं एक कोट पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कहा कि लीडर मीन्स वन हु इज इंस्पायर एंड इंस्पायर्स अदर, दैट इज लीडर। जो स्वयं इंस्पायर है, जब हम इंस्पायर नहीं रहेंगे तो दूसरों को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं। तो लीडर मीन्स वन हु इंस्पायर एंड कैन इंस्पायर अदर, दैट इज लीडर। तो यहां पर सौन का आदय, आदय मतलब अन्य जितने थे और उनके मुखिया थे, प्रधानाचार्य थे, वो थे सौनक ऋषि। सौनक जी लीडर थे, उनके लीडरशिप में आए ये लोग, आ करके नैमिषारण्य क्षेत्र में सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मास्त लोकाय, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के शांति के लिए, सुख के लिए वे लोग 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ में क्यों धुआं खा रहे थे वो लोग, धुआं ताप, कुछ मिल नहीं रहा था, बड़े परेशान थे बेचारे, लेकिन करे क्या, वो चाहते थे जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए दुख भोगना पड़ता है, और वो तैयार थे, दुख भोग रहे थे, संकल्प हो गया था कि 1000 वर्ष तक यज्ञ चलेगा। थक भी गए थे, तब तक से सुत गोस्वामी आ गए। सुत गोस्वामी आए और देखे कि कैसे लोग अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे कल्याण कैसे करेंगे, स्वयं धुआं ताप रहे, परेशान हैं, दूसरे कल्याण कैसे करेंगे। तो सुत गोस्वामी के आगमन से ही वो यज्ञ रुक गया। अब दूसरे दिन तो एकदा तुमनिया प्रातुर्भूत हुतागनया, सब लोग रेडी थे, सुत गोस्वामी अब आ गए तो यज्ञ करना वे लोग बंद कर दिए। शास्त्र कहता है कि अब साधु महात्मा आ जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं आरती कर रहे तो आरती करना ही बंद कर दो, सत्कार करो। तभी लोग सब कुछ छोड़ करके सुत गोस्वामी का सत्कार करने लगे। सत्कृतम सुतम आसीनम, सत्कार किए, उनका स्वागत किए, पाद प्रक्षालन किए, खिलाए पिलाए, और उसके बाद में आसन दे करके और पूछने लगे। प्रपक्षुप एकदम आदरात, कैसे पूछ रहे हैं आदरात। भगवान गीता में बताते हैं प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधिवत। यहां पर शब्द है आदरात, आदर के साथ में वे लोग प्रश्न पूछे। लेकिन प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, उसके पहले कुछ भूमिका बनानी पड़ती है, कुछ प्राप्त करना है तो भूमिका बनाना ही पड़ेगा। देखिए बलि महाराज के पास वामन देव गए थे, लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि सब कुछ लेकर के और इंद्र को देना है, लेकिन जाकर के सीधे वही नहीं मांग दिए, खूब भूमिका गढ़े वामन देव, फुला दिए बलि को। हैं आप लोग भागवत में पढ़े हो कैसे भूमिका बांधे हैं, फिर बलि आपके खानदान में कोई कंजूस नहीं हुआ है, क्या क्या है, यू नो, अरे और तो और आपके पिताजी विरोचन स्वयं जब देवता लोग आ गए थे, मांग दिए, जानते थे कि देवता है, फिर भी अपने शरीर को दान दे दिए, अरे आपके दादा परदादा कहना ही क्या है, विष्णु को भी छका दिए वो लोग, हैं विष्णु को भी
छिप जाना पड़ा। तो इस प्रकार से पूरा भूमिका बांधने के बाद जब बलि महाराज से बामन देव खुश हो गए, सॉरी बामन देव से बलि महाराज जब खुश हो गए, तो थोड़ा तो लज्जा बस कर, कोई बात नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब कहा जाता है स्ट्राइक क्वाइल आयरन इज हॉट, तब बामन देव किए। तो ऐसे ही यहाँ पर श्रुत गोस्वामी से पूछने से पहले उनका गुणानुवाद करते हैं, जरूरी है। गाय दूध तब देगी जब बछड़ा उसके स्तन को स्पर्श करे। किसान लोग जानते हैं कभी कभी गाय का बछड़ा मर जाता है तो किसान लोग क्या करते हैं, उसका चमड़ा निकाल लेते हैं, उसमें घास भूसा डाल करके सिलाई कर देते हैं। जब गाय से मेरा बछड़ा है लाकर खड़ा करते हैं तो दूध दे देती है। गाय के पास दूध है लेकिन बछड़ा होना चाहिए, बछड़ा से प्रसन्न होती है। तो वैसे ही जब प्रसन्नता होगी तब व्यक्ति का दरवाजा खुलेगा, दिल का, ज्ञान का, भक्ति का, वो दरवाजा खुलेगा। तो श्रुत गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए ऋषि लोग कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानग आख्यातान अभिधीतानि धर्म शस्तानि यान्युत। कैसा वक्ता होना चाहिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, त्वया हे श्रुत गोस्वामी, खलु मतलब निस्संदेह ही, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ। च अनघ, अनघ अघ मतलब पाप और अनघ मतलब पाप रहित। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही व्यक्ति इस व्यासन पर बैठ सकता है जो कम से कम मिनिमम चार नियम का पालन करता हो। He had to be free from these four vices of meat eating, gambling, intoxication and illicit sex. आजकल कथाकार लोग बैठते हैं, चाय पियेंगे बाद में कथा कहेंगे, तो चाय पीने वाले कथाकार लोग इस श्लोक के अनुसार योग्य नहीं है कथा कहने के। तंबाकू खाने वाले कथाकार लोग कथा नहीं कर सकते हैं। अनघ होना बहुत जरूरी है, पाप रहित होना बहुत जरूरी है। तो एक तो उनका आचरण, और खलु मतलब निसंदेह, इसमें कोई द्वारा नहीं है। ये लोग भी कोई ऑर्डिनरी ऋषि नहीं थे, मैं कहता है क्या जानते थे श्रुत गोस्वामी को, पहले पहल मुलाकात हुई थी। हम ये भी जन कल्याण के लिए आए थे, श्रुत गोस्वामी कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। कहते हैं आप कैसे हो, पुराणानि इतिहासानि च, च मतलब अन्य भी, आप समस्त पुराणों को, महाभारत को, उपनिषद को, और च का मतलब समझना चाहिए कि समय और परिस्थिति के अनुसार उदाहरण दे दे करके। भागवत कथा या प्रवचन करना है तो मैं शुरू शुरू में एक किताब पढ़ा था, हाउ टू गिव गुड क्लास इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, एक रोहिणी नंदन प्रभु थे लिखे थे, तो यही श्लोक शुरू किए थे। तो च शब्द का मतलब कि बीच बीच में क्लास पूरा बोरिंग नहीं होना चाहिए, बीच बीच में कथानक भी हो जाना चाहिए। हो सकता है कि वो कथा इतिहास पुराण वेद इत्यादि से न हो, सामयिक होना चाहिए लेकिन सिद्धांत होना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इस प्रकार के कई कथानक बताए, तो उसका ग्रंथ है उपदेश उपाख्यान है, यस नो वेरी गुड वाला, आप जानते हो कथा है। वो बुढ़िया अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहती थी, ABCD वाला, वो भी कथा जानते हैं आप लोग। तो ऐसे ऐसे बहुत थोड़ा थोड़ा कथा कह करके वे लोगों को समझाने शिक्षाप्रद, उपदेशेर उपाख्यान, उपदेश संबंधित उपाख्यान, तो कथा में वो अभी होना चाहिए। दूसरा बात, जो कथाकार है
या कथा, कथाकार तो आजकल बड़ा खराब लगता है कहने में, लेकिन जो प्रवचन करता है उसे राजधानी एक्सप्रेस में ही चलाना चाहिए। जल्दी जल्दी भोजन खाओगे तो तकलीफ करेगा। आजकल ये तो शास्त्र पहले बताया गया, आजकल कहते हैं कि अनुसंधान के द्वारा बताया जा रहा है कि एक कौर को 30 बार चू करना चाहिए। ये पहले लोग जानते थे, अब अनुसंधान करते हैं। व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। क्या ये रिसर्च क्या कर रहा है, तो पहले सब जानते थे कि धीरे धीरे खाना चाहिए, अब रिसर्च करते हैं मूर्खें का। मैं जिंदल आया करता था बेंगलोर में, तो वहां लिखा हुआ था ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर ड्रिंक, मतलब खाने को जो खा रहे हो ऐसा चूहो, ऐसा चूहो कि पानी जैसा हो जाए, चूते चूते हैं। तो ड्रिंक योर फूड और ईट योर ड्रिंक, मतलब पानी को जैसे गाय करती है ना, वैसे करते करते पीना चाहिए, पानी भी स्लो पियो। तो वैसे ही कथाकार को पॉज देते हुए कथा करनी चाहिए, यानी कि अकार बकार लकार टकार मकार चकार पकार, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। लोग कहते क्या सुंदर कथा कहा, ओह मत पूछिए, और पूछो क्या सुना आपने, हम भी जानते हैं, ऊपर चला गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कथा पॉज करते हुए ताकि लोग समझें। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कौन कथा में सो रहा है, कथाकार को ये भी देखना चाहिए कौन कथा में सो रहा है, यानी आई कंटैक्ट होना चाहिए ना। कि अब तो पहले था भाई, भगवान शिव कथा कहते थे वो तो आंख बंद कर कथा कहते थे, लेकिन आंख बंद कर भी देखते थे कौन सो रहा है, बाहर था ना है? पहले ऐसा कथा कहते थे, अब तो कथा में आई कांटेक्ट होना जरूरी है भाई, सब समझ रहे हैं ना, ये भी जरूरी है। तो ये सब कुछ इसलिए यहां छ शब्द कहा गया है, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च, अन्य भी बातें, अन्य बातें में म्यूजिक नहीं आता है। कुछ लोग म्यूजिकल कथा कहते हैं, वो नहीं आता है इसमें, क्योंकि वो डाइवर्सन हो जाता है कथा से। तो च मतलब शास्त्र संगत जो है वही, अनघव और आप तो सुने हैं ही, लेकिन साथ साथ इसका व्याख्या भी किए हैं। आख्यातान अपिधीतानी धर्म शस्त्राण यानी, तो एक बार नहीं कई एक बार इस कथाओं को आप सुने हैं और उसको बोले भी हैं। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान तो है ही लेकिन विज्ञान के रूप में प्रणीत किए हैं, कथा किए भी हैं। यानी वेद विदा सृष्टो भगवान बादरायण अन्य च मुनयः सूत परावर विवे विदु। आप बादरायण साक्षात सुखदेव गोस्वामी के आप शिष्य हैं, यानी जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे उस समय सुत गोस्वामी वहां पर थे, तो आप सुत गोस्वामी से, आप सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, सुने हैं उनसे, और साथ साथ अन्य अन्य च मुनय सुत पर अवर विदो विदो, आप सब कुछ के पारंगत ज्ञानी हैं, पर अवर दोनों के, जो दिखाई पड़ता है उसका भी, जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको भी आप देखने वाले हैं। विदुः आप विद्वान हैं, कहें वित्थं त्वं सौम्यं तत्सर्वं तत्तत्व अनुग्रहात् ब्रूहिस्तिग्धस्य सीतस्य गुरयो गुरयो गुह्यम अप्युता। आप लोगों से सुने हैं और आप सेवा भी किए हैं, सुनना बपू सेवा और वाणी सेवा, गुरु की दो प्रकार की सेवा होती है। तो
बपू सेवा और वाणी सेवा, इसमें से जो वाणी सेवा है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु प्रसन्न होते हैं वाणी सेवा से शिष्य के। तो वही कहते हैं ब्रूहि शिष्यस्य शिष्यस्य गुरवो, यहां बहुवचन आया हुआ है। अनेक गुरु वर्गों से आप सुने हुए हैं और उन लोगों को प्रसन्न किए हैं, वो लोग प्रसन्न हैं और आप पर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए ये सत्र हो रहा है, भागवतम सत्र हो रहा है, पहले यज्ञ हो रहा था, अब ये भागवत सत्र है। वो पहले श्लोक में है ना, सहस्त्र नमिषे निमिषित्र ऐसे सन का दिया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समास्त। ये सत्र हो रहा है, पहले यज्ञ हो रहा था। यज्ञ और सत्र में अंतर होता है, यानी त्रेता युग में यज्ञ था, अन्य युगों में भी, लेकिन यहां पर ये सत्र है, भागवत सत्र। सत्र और यज्ञ में अंतर होता है। यज्ञ में एक यजमान होता है, यज्ञ की जाती है, जो यजमान होता है यज्ञ का फल उस यजमान को मिलता है। यज्ञ में जो कुछ भी धन दौलत लगता है यजमान को लगाना पड़ता है, और उतना ही नहीं, जो यज्ञ कराता है यजमान को दक्षिणा देना पड़ता है। जब दक्षिणा देगा तब यज्ञ का फल यजमान को प्राप्त होगा। लेकिन सत्र, यज्ञ और सत्र में अंतर क्या है? ये कहते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ, ये भागवत यज्ञ नहीं है, ये भागवत सत्र है। सत्र मतलब जिसमें सबका कल्याण हो, अंतर समझ गया ना? यज्ञ में एक व्यक्ति के लिए और सत्र सबके लिए। तो शुद्ध गोस्वामी पूरे 88,000 ऋषियों के साथ साथ जन कल्याण के लिए ये सत्र कर रहे हैं, और रुपया पैसा भी नहीं लगता है। पेड़ के नीचे बढ़कर भागवत कथा कराओ, यज्ञ में तो घी लाओ ये लाओ, कितना पैसा लगता है? यहां कोई पैसा नहीं लगता, और यहां यजमान को कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। कथाकार को कुछ मत दो, कहीं नहीं लिखा हुआ सुध गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को कथा करने के बाद। आजकल तो कथाकार लोग पहले ही अपना फीस मांग लेते हैं। तो सत्र नहीं हुआ, सत्र में व्यापार नहीं है, लेन देन नहीं है, सत्र में केवल एक ही ये है। ये भागवत महात्मा वर्णन किया गया है कि जिसके लक्ष्य हैं कृष्ण, वक्ता के भी लक्ष्य कृष्ण हैं और श्रोता के भी लक्ष्य कृष्ण हैं। तो ये होता है सत्र। तो इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी का वे लोग अनुमोदन किए और कहे कि आप पर आपके गुरु वर्गों की बड़ी कृपा है और इसीलिए हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। तब कहते हैं तत्र तत्र अंजसा जुष्मन् भवताम यद विनश्चितम् पुंस एकांत श्रेय तन्न संसितुम अर्हसि। आई थिंक आज भूमिका रह गया, कथा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए हम लोग कथा पहले शुरू किए तो वह होना जरूरी है। लेकिन मैं 6 प्रश्नों का एक कर लूंगा। ये जो पहला प्रश्न है इसमें है कि जन कल्याण के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, वह आप कृपा करके बतलाइए। ये पहला प्रश्न है, इसका व्याख्या मैं कल करूंगा, ठीक है ना? तो अभी प्रश्न उत्तर भी नहीं होगा, और हम लोग प्रश्न नहीं है तो उत्तर कहाँ से होगा? अभी प्रश्न नहीं होगा तो प्रश्न कल होगा और उसका उत्तर भी बाद में। तो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और चलते हैं अब कर सेवा करने के लिए। कर सेवा की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाय, गरंद्राश्रम भागवतम की जाए।